अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मंसूर अहमद और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग अवेयर। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपने उसे जो है काफ़ी देखा। तो उसमें मुझसे एडिटिंग में गलती हो गई थी कि उसमें मैंने साउंड लगाए थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसमें साउंड नहीं थे। लेकिन जब मैं एडिट की थी तो उस वक्त मुझे साउंड जो थे ना सुनाई दे रहे थे, लेकिन बाद में जब मैंने अपलोड की फिर मैंने चेक किया तो उसमें साउंड नहीं थे। तो उसके लिए माज़रत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जी है वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अभी मैं आया हुआ था अपने फसलों की तरफ, जहाँ पर जो है हमने प्याज की फसल काश की हुई थी। तो देखिए हम यहाँ से प्याज जो है निकाल चुके हैं। तो अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं कि सूरज भी ढलने वाला है ये पीछे मेरे। तो आप से इंशाल्लाह आप ये देखें कि सूरज ढल रहा है। अब देख रहे होंगे कि साथ में जो है ना धुआं भी उठ रहा है। तो ये धुआं जो है ना, जो अब जैसे ये देखें गंदम की जो नीचे जिस पर बड़ी मशीनें लगाते हैं ना, तो उस मशीनों की वजह से जो गंदम के नीचे वाला हिस्सा बच जाता है, जिसे हम भूसा कहते हैं, तो उसको जला दिया जाता है। तो अभी तो यार कुछ लोग कहेंगे कि यार ये से तो आलूदगी फैल रही है। तो पहली बात तो ये है कि यार अगर आलूदगी की बात है तो पहली बात यार कि अगर आलूदगी की बात करते हैं तो अगर ये किसान या हमारे जट भाई अगर इन चीज़ों को जलाते हैं तो अगर कहा जाता है हुकूमत पाबंदी लगाती है कि यार इसको नहीं जलाना चाहिए, तो पहली सबसे पहली बात है कि जो फैक्ट्रियाँ हैं ठीक है ना, वहाँ पर तो वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं ठीक है ना, तो पैसे ले लेते हैं, तो वहाँ पर तो उनको फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जाता। अब देखें उन फैक्ट्रियों का कितना जो है धुआं निकल रहा होता है, जो हमारे माहौल को काफ़ी ख़राब कर रहा होता है, या उनका जो वेस्टेज होता है पानी जो है दरियाओं में फेंक दिया जाता है तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो हम एक चीज़ को तो नहीं कह सकते कि नहीं यार कि ये जो है ना जो किसान भाइयों की वजह से जो है ना माहौल में आलूदगी पैदा हो रही है, तो ठीक है यार इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात है कि आप जो बड़े बड़े हैं उनको तो हाथ डालें, फिर हम कहेंगे कि यार आप जो है ना इन हमारे किसान भाइयों को रोक रहे हैं। जो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो, क्योंकि मैंने अपने बीएस ग्रेजुएशन के दौरान जो है 3 साल जो है मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया, तो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे अक्सर फेसबुक पर मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमने तो मैट्रिक कर लिया, आगे क्या करना है, उस हवाले से भी हमें वीडियो बताएं, या फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें हम क्या करें, ना तो एकेडमी जोन है ना तो स्कूल है ठीक है ना, उस हवाले से भी हमें जो है ना बताएँ। तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से कोई वीडियो बनाई जाए, तो वो उसे मैं आपको जो है ना कंफर्म बताऊंगा कि आपने करना क्या है। तो उसके हवाले से पहली बात तो ये है कि यार आपने ख़ुद ही इनिशिएटिव लेना है। कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके हवाले से कि अभी जो वो अपने घरों में हैं तो वो कैसे स्टडी को जारी रखें, तो पहली बात ये है कि आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ़ गूगल पर जाके सर्च करना है सबक फाउंडेशन ठीक है ना। उसमें जाके जब आप सर्च करेंगे तो उसको जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक पेज की तरह आपको जो है ना क्लासेस वाइज जो है ना सिलेबस आ जाएगा। अगर आप बलूचिस्तान के हैं तो बलूचिस्तान का सिलेबस आ जाएगा, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब का पूरा सिलेबस आ जाएगा ठीक है ना। तो आपने वहाँ पर जाके सर्च करेंगे, टॉपिक वाइज आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी उर्दू में ठीक है ना। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे ठीक है ना, और वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेक्चर कौन सा है ठीक है ना। तो पहली बात ये है कि आपने सबक फाउंडेशन लिखना है और जहाँ वहाँ पर जाके आपने उस टॉपिक को सर्च करना है। ये सामने देखें सूरज डूब रहा है, तो कैसा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर आलूदगी की बात करते हैं तो अगर ये किसान या हमारे जट भाई अगर इन चीज़ों को जलाते हैं तो अगर कहा जाता है हुकूमत पाबंदी लगाती है कि यार इसको नहीं जलाना चाहिए, तो पहली सबसे पहली बात है कि जो फैक्ट्रियां हैं ठीक है ना, वहाँ पर तो वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं ठीक है ना,
तो पैसे ले लेते हैं। तो वहाँ पर तो उनको फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जाता। अब देखें उन फैक्ट्रियों का कितना जो है धुआं निकल रहा होता है, जो हमारे माहौल को काफ़ी ख़राब कर रहा होता है, या उनका जो वेस्टेज होता है पानी जो है दरियाओं में फेंक दिया जाता है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो हम एक चीज़ को तो नहीं कह सकते कि नहीं यार, कि ये जो है ना जो किसान भाइयों की वजह से जो है ना माहौल में आलूदगी पैदा हो रही है, तो ठीक है यार, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात है कि आप जो बड़े बड़े हैं उनको तो हाथ डालें, फिर हम कहेंगे कि यार आप जो है ना इन हमारे किसान भाइयों को रोक रहे हैं।